ओम शांति। 13/7/2023 मतलब 13 जुलाई 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल करके पूरा बेगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धियोग लगाओ। आज का प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्रांक दिल बनना है? तो इसका उत्तर है, जैसे बाबा फ्रांक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्रांक दिल बनना है। जगह जगह पर गाडली यूनिवर्सिटी खोल दो, जगह जगह पर ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल दो। तीन चार ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन करके सतगुरु का सो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव बाबा की पोतियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोती है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेलपाल करते हैं, मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत मनोरंजन करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रसम भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों को पूरी तरह से भिखारी बनना है, अपने धन संपत्ति को भूल जाना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धियोग लगाना है, और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, मीरा लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। मीरा का कितना नाम निकला है, उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीति थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। हाँ, मीरा भक्तिन बहुत अच्छी थी इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी, तुम सच्ची एक जान मीराएं बनती हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है कि भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता,
और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बौद्धियों की है, वह भी कहते हैं कि हिंदू धर्म वाले निकल जाएं, हम सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं कि अब अनेक धर्म हो गए हैं, तो एक धर्म दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाबा सब धर्मों को एकदम से निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाकर वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्होंने जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके आगे शिवलिंग रखने की क्या जरूरत है। यह सब सन्यासियों का फैलाव है, वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो परमपिता परमात्मा शिव के रहने का स्थान है। वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। वह तो समझते हैं कि शिव भी एक है, ब्रह्म भी एक है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं। शिव की तो लिंग के रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है। वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे, जो असल देवी देवता धर्म के होंगे वह झट उठा लेंगे। कोई तीन चार जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे। जंग वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि सतयुग में जो राज्य करते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम जन्म होते होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख जन्म दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हों। सब हैं गपोड़े, सब हैं फालतू की बातें। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। तुम ब्राह्मण बच्चे कभी भी किसी से भी पैसा नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो अपने आप ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं,
ऐसी गाडली यूनिवर्सिटी में तीन चार ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका, इसमें फ्रांक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्रांक दिल है, कखपन ले करके और बादशाही दे देते हैं। परमपिता परमात्मा का दिल कितना अच्छा है, परमपिता परमात्मा हम बच्चों की गंदगी को लेकर के हम बच्चों को बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत बच्चे क्या सर्विस करेंगे, कपूत को थोड़े ही बाप बरसा देंगे। तुमको भी सतगुरु का सो करना है, काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे, बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को एक जान समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ कि तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे, भला खुदा कहाँ है। खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं, वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह एग्जाम सब धर्मों के लिए है, यह है बिल्कुल नई बात। एग्जाम से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में इस समय पवित्रता नहीं है तो भारतवासी धक्के खाते रहते हैं, कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं, प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लाएं कहां से, तो वह कहते हैं कि तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़े ही किया है, हमको तलब यानी पगार चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता है, यह सब होना ही है। कहीं अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, कहीं दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाड़ले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, जिस समय बाबा एग्जाम दे रहे थे उस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी। देखो बाबा की भी एग्जाम वर्षा बहुत हुई है तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस यानी शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल यानी शांति का सागर तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का एग्जाम देबे, देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो करके रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटे तो देही अभिमानी बनो, 8 घंटा तो अपने आप को आत्मा समझो, फिर भले शरीर निर्वाह के लिए काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना जितना एग्जाम का सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी, बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या, अरे बादशाही मिलती है।
बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं, मैं सभी को वापिस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं, इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक हैं, सब मूर्ख हैं। बाप को ना जानने वालों को तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, टोटक विद्या वाले बहुत हैं, माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मनाभव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं है। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि देवताएं देही अभिमानी क्यों बने, देवताएं अपने आप को आत्मा क्यों समझें, उनको वापिस थोड़े ही जाना है। यह एक ज्ञान अभी तुमको मिलता है, तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापिस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं, असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं, घर बैठे प्रण कर लेते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए, हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे, इतनी मार खाते हैं। ड्रामा अनुसार यह पार्ट कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं, जो ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं, वही सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं, एक जान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए, रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़े ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं, एक जान को अच्छी रीति अंदर घोटना है, जब एक जान घिसेंगे तब ही राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो बच्चे एक जान में बहुत आगे चले गए हैं, उन बच्चों को देख करके हमें भी उनके जैसा करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है, जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो जाएंगे, थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीर दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद कर, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं करना है, देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर रहना है, याद का कवच सदा पहन कर रखना है। दूसरा है, नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है, एक जान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। आज का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है, वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है।
जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे, कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन यानी शिकायत नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट, सदा भरपूर रहेंगे। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेन नहीं, यह शिकायत नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त, जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। आज का स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।